गंगा नदी एक बार फिर से अपने रौद्र रूप में आने वाली है। आपको बताएं कि लगातार बारिश और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से दिए गए चेतावनी के बाद अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से गंगा नदी अपने खतरे के निशान को पार कर सकती है और यही कारण है कि अब राजधानी पटना में संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गंगा का पानी जिलों में प्रवेश कर चुका है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी तो दी ही गई है और साथ ही साथ इस बात की भी आशंका जताई गई है कि गंगा एक बार फिर अपने उफान पर देखी जा सकती है। क्या है ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। गंगा के जलस्तर में कमी आने की रफ्तार थम गई है। शुक्रवार से जलस्तर में फिर बढ़ोतरी की संभावना है। जल संसाधन विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर और रात के 12 बजे 23 सेंटीमीटर ऊपर रहा। इसका कारण नेपाल सहित पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश होना है। पिछले 24 घंटे में दीघा घाट और गांधी घाट पर जलस्तर में महज 1 सेंटीमीटर की कमी आई है। गुरुवार को दीघा घाट पर जलस्तर 49.34 मीटर और हाथीदह में 42.03 मीटर मापा गया है। इसके साथ ही पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 11 जिलों में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। अगले 48 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान लगातार चलने वाली ठंडी हवा से गर्मी से राहत रहेगी। 48 घंटे के बाद धूप निकलने की संभावना भी जताई जा रही है जिसके बाद पारा चढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। इसके साथ ही बिहार के अन्य हिस्सों में नमी और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव के कारण 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर 32 mm तक बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, किशनगंज में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 32 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत अधिकांश जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। तो एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। आपको बताएं कि मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि बारिश तो होगी ही और साथ ही साथ वज्रपात की भी संभावना है। ऐसे में लोगों से सुरक्षित रहने की भी अपील की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि पहले गंगा के जलस्तर में कमी देखी गई थी लेकिन अब जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी दी है और साथ ही साथ जिस तरह से झमाझम बारिश दर्ज की जा रही है इसको लेकर अब संकट एक बार फिर से राजधानी पटना सहित अन्य जिलों पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि एक बार फिर से गंगा अपने खतरे के निशान को पार कर सकती है। ऐसे में परेशानी राजधानी पटना वासियों की बढ़ सकती है क्योंकि जहां एक तरफ लोग गांधी घाट पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे थे तो अब वही जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।